स्वागत है आपका कायती भोजन में। मैं हूँ रितिका। तो आज हम बनाएंगे परवल आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं क्या क्या लगेगा आलू परवल के अलावा। यह है परवल, इसको मैंने दो भाग में काट लिया क्योंकि ये छोटे साइज़ का है, इसलिए इसे दो भाग में काटा है। और अगर ये थोड़ा बड़ा होता तो इसको बीच से काटती मैं, दो भाग करके एक आधे भाग को बीच से काटती। ये आलू, दो टमाटर, प्याज है ये मीडियम साइज़ का, तीन प्याज है। और ये है अदरक, लहसुन, मिर्च, और ये मैंने मिक्सी में रखा हुआ है जीरा, धनिया और गोलमरीच या काली मिर्च को पानी में डुबो के। और हाँ, एक ये सीक्रेट है, इसको मैं, कड़ी पत्ता है, इसका यूज़ मैं थोड़े देर बाद बताऊंगी कि कैसे यूज़ होगा। मैंने परवल को तेल में फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, क्योंकि परवल थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसे गलने में टाइम लगता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। इसका ढक्कन हटा दिया है और ये अब धीरे धीरे लाल हो रहा है, इसको थोड़ा और हम लाल करेंगे, मतलब भूजेंगे, फ्राई करेंगे। ये लाल करना हमारे गांव का भाषा है, ये मैंने अभी बोला, बीच बीच में आपको सुनने के लिए मिल जाएगा इस तरह की लैंग्वेज, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ी बातें कर लेते हैं, हमारा जो लैंग्वेज है वो अंगनिका है, तो मैं थोड़ा बहुत बोल पाती हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाती, तो ट्राई करते हैं। हमरा सुनी ठीक छे, हम बनाबे छे सब्जी परवल आलू करो छे, एक निकाली देवे तब हम एक डालबे आलू। इसमें मैंने आलू डाल दिया है और अब हम एक में नमक डाल दें, हम तेज आटो में पकेबे, हमें सिझाना नहीं है, एक हमें खाली भुजना है, ठीक है। ये देखिए, ये आलू जो है वो फ्राई हो गया है, थोड़ा सा और लाल कर देते हैं, ये हो गया है, अब इसको निकाल देंगे। एकरा निकाली दे देवे, माफ़ कीजिएगा बड़े लोग, थोड़ा सा उटपटांग एलियंस की तरह बोल दे रही हूँ। एकरा में हम प्याज डाली देवे, इसको भूनना है, मतलब लाल ट्रांसपेरेंट करना है। आपको बोला था ये सीक्रेट है, तो करना क्या है, इसमें डालिए और पीस दीजिए, उस जले हुए भुट्टे का ध्यान रख दीजिए। ये डाल दिया, इसमें अदरक, लहसुन, मिर्च, धनिया, जीरा और गोलकी यानी काली मिर्च, और ये कड़ी पत्ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने कड़ी पत्ता क्यों डाला, तो कड़ी पत्ता इसलिए डाला क्योंकि इससे अलग ही टेस्ट आता है, तो आप एक बार ट्राई करिएगा। और आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो यूज़ करते हैं आप उसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। ये प्याज तो आपका हो गया है लाल यानी रेड ट्रांसपेरेंट हो गया, अब इसमें हम ये मसाला जो मैंने पीसा था इसको डाल देंगे। टमाटर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, इसको थोड़ा सा चलाएंगे। फिर इसको ढक देंगे टमाटर के गलने तक। ये देखिए, इसमें से तेल जो है वो थोड़ा बहुत छोड़ने लगा है, उसको मैंने बीच में चलाया था, इसका टमाटर जो है वो गल गया है, थोड़ा बहुत थोड़ा क्या गल गया है,
इसमें पानी नहीं डालेंगे अभी। अब इसमें ये हम ये भूजा हुआ आलू और परवल डालेंगे और इसको थोड़े देर के लिए इस मसाले के साथ भूजेंगे। इसको थोड़ा सा ढक देते हैं। अंगनिका में बोलते हैं अब एकरा हम ढक दे छिए सॉरी। अब इसको मैं ढक्कन मैंने हटा लिया और अब देखिए ये भुजा रहा है तो थोड़ा सा भुजेंगे अच्छे से। सब्जी को भूजने पर जो अलग ही टेस्ट आता है। मैं इसमें मतलब मैं अपने मोस्टली खाने में हरी मिर्च यूज़ करती हूँ। मुझे लाल मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी कभी कलर के लिए डाल देती हूँ लेकिन पर्टिकुलर तीखेपन के लिए नहीं डालती। मैं हरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ। अगर आप लाल मिर्च यूज़ करते हैं तो आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। ये इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब इसको ढक देंगे और इसको मध्यम आंच पे यानी मिडिल बर्न पे इसको 10 मिनट तक पकाना है। आपकी सब्जी उसे गैस बंद कर देते हैं और इसको कम से कम 5 मिनट तक नहीं 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट तक ऐसे ही खुले रहेंगे जो इसका जो होगा वो थोड़ा सटक जाएगा यानी कि। ये आपका तैयार हो गया है सब्जी। इसे चावल के साथ खाएं बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।